मेरी शॉर्टी जब लगा दी बिंदी मेरे को बोले ने एंट्री सच्ची में हो रही है एंट्री मैं झाड़ पे कभी चढ़ता वन पीस मैंने घर दी गई कुछ मेरी गलती। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन वायरल क्रिएटर। तो गाइस आज मैं आपके लिए एक और न्यू ट्रेंडिंग रील्स एडिटिंग लेके आ चुका हूँ। अभी के समय में इंस्टाग्राम पे इस तरह का रील वीडियो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग पे चल रहा है और अभी न्यू बन रहा है, देख सकते हो इसमें बहुत ही ज़्यादा कम रील बना हुआ है। तो अगर आप भी इस तरह से रील वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हो तो शायद आपका वीडियो भी वायरल हो सकता है। तो चलिए गाइस ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले तो यहाँ पर आप लोग को अपना एक कोई सा भी VPN डाउनलोड करके यहाँ पर उसको सिंपली से कनेक्ट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं VPN को ओपन करता हूँ और यहाँ पे टैप करके सिंपली से मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो। और उसके बाद मैं कनेक्ट कर लेने के बाद में सिंपली से यहाँ पे आप लोग को बैक आना है और बैक आने के बाद में क्या करना है, यहाँ पे आप लोग को सिंपली से अपने कैपकट एप्लीकेशन को ओपन करना है, ठीक है। एंड गाइस जैसे आप लोग कैपकट एप्लीकेशन को ओपन करोगे आपके सामने में इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग को न्यू प्रोजेक्ट लिखा यहाँ पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद कोई से भी आप अपने वीडियो को यहाँ पे ऐड कर लेना, ठीक है। यहाँ पे मैं अपना वीडियो ऐड कर लेता हूँ, आप अपना वीडियो शूट करके ना यहाँ पे ऐड कर सकते हो। मैंने एग्जाम्पल के लिए ये वाला वीडियो लिया है, ठीक है। और उसके बाद में क्या करना है, यहाँ पे लास्ट में स्क्रॉल करके आना है एंड एंडिंग पार्ट में देख सकते हो ये वाला जो आप लोग को ब्लैक कलर का लोगो मिलेगा कैपकट का, इसको टैप करके सिंपली से डिलीट कर देना, ठीक है। तो आप लोग भी इतना कर लेना। देन उसके बाद में क्या करना है, यहाँ पे मैं म्यूट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, इसका साउंड को ऑफ करता हूँ जो वीडियो में था, ठीक है। आप अपने वीडियो को जो उसका साउंड होगा ना रिकॉर्ड करोगे उसको यहाँ पे म्यूट कर देना, ठीक है। देन यहाँ पे आपको एड ऑडियो पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद देख सकते हो एक्सट्रैक्टेड लिखा है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोग को ना इस वाले वीडियो का लिंक मैं आपको टेलीग्राम में दे दूँगा, आप जाकर सिंपली से उसको डाउनलोड कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे आप उस वीडियो को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और उसके बाद में क्या करना है, यहाँ पे जो सॉन्ग है ना यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हो मैच कट लिखा है, यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसमें आप लोग को ना बीट ऐड करना पड़ेगा और बीट आपको कैसे ऐड करना है मैं आपको बता दूँ। तो आप लोग को ना सॉन्ग को प्ले करके देखना है एंड जहाँ पे हाई बेस आता है ना वहाँ से आप लोग को बीट को ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ बीट कहाँ कहाँ पे ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं ना 9 सेकंड पे करूँगा, देन यहाँ पे 11 सेकंड पे करूँगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे करके देख सकते हो सेकंड एंड उसके बाद में यहाँ पे मैं 13 सेकंड पे ऐड करूँगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे 15 सेकंड पे, फिर यहाँ पे 16 सेकंड पे और उसके बाद में एक लास्ट और करना है आप लोग का यहाँ पे 19 सेकंड पे, ठीक है। इतना करके आप लोग भी इस तरह से बीट ऐड कर लेना, देख सकते हो यहाँ पे कितना बीट लगा है टोटल देख सकते हो, ठीक है ना। जैसे जैसे मैंने किया टाइम पे आप देख सकते हो, आप भी इसी तरह से कर लेना। उसके बाद में क्या करना है, नीचे से राइट करना है, ठीक है। और राइट करने के बाद में यहाँ पे स्क्रॉल करके आना एंड देख सकते हो डॉट दिख रहा है येलो कलर का, ये जहाँ पे हम लोग ने बीट ऐड किए हैं, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे बीट लगा है ना वहाँ पे अपने वीडियो में क्लिक करके स्प्लिट लगाना है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो बीट के बराबर में, ठीक है ना, ऐसे करके देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं अपने वीडियो में स्प्लिट लगा लेता हूँ जहाँ जहाँ से बीट लगा हुआ है, ठीक है ना। देन गाइस बीट में पूरा अच्छे से अपने वीडियो को स्प्लिट लगा लेना, उसके बाद लास्ट में आना है और जहाँ से हमारा सॉन्ग एंड हो रहा है ना वहाँ पे भी वीडियो अपना स्प्लिट लगाना है और बाकी के जो अदर पार्ट है ना पीछे वाला इसको यहाँ पे टैप करके डिलीट कर देना है, ठीक है। तो आप लोग भी इतना कर लेना। उसके बाद में क्या करना है, यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट क्लिप है ना बीट लगाए हैं वहाँ पे कट किए हैं, वहाँ पे हमारा फर्स्ट जो यहाँ पे क्लिप है इस पे क्लिक करके एनिमेशन लिखा है देख सकते हो, इसमें क्लिक कर देना है। इसमें क्लिक करने के बाद इन में आना है और इन में आने के बाद देख सकते हो इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको इफेक्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग कोई से भी अपना मन से ना यहाँ पे ऐड कर सकते हो, जैसे यहाँ पे मैंने इसको रख लिया और इसको रखने के बाद थोड़ा सा इसका जो ड्यूरेशन इसे 7 सेकंड पे यहाँ पे बढ़ा लेना है, ठीक है। फिर आप लोग को सेकंड पे जाना है, फिर यहाँ पे सेकंड वाले क्लिप में, ठीक है, फर्स्ट में लगा लें, सेकंड क्लिप में जाना है, एनिमेशन में जाना है, इन में जाना है, उसके बाद में भी आप लोग को इसमें से अदर चूज़ करना है, फिर यहाँ पर थर्ड वाला क्लिप में जाना है और यहाँ पर आने के बाद आप लोग को कोई अदर यहाँ पे चूज़ कर लेना है ऐसे करके, ठीक है। एंड इसका ड्यूरेशन जो है आपको बढ़ा लेना है ऐसे करके, ठीक है, 7 सेकंड पे देख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इसमें लगा लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इस वाले क्लिप में जाना है और इसमें भी आप लोग को कोई एक अच्छा सा यहाँ पे चूज़ कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे इसका ड्यूरेशन बढ़ा देता हूँ मैं 7 सेकंड पे, ठीक है, देख सकते हो। उसके बाद अदर वाले यहाँ पे मैं क्लिप में जाऊँगा, यहाँ पे इसको चूज़ करके इसका ड्यूरेशन जो है मैं बढ़ा दूंगा, नीचे से राइट कर दूंगा। फिर यहाँ पे लास्ट वाले क्लिप में आना है, एनिमेशन में आना है, इन में आना है और इसमें भी आप लोग को कोई सा अच्छा भी यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है, एनिमेशन ऐड करके यहाँ पे नीचे से राइट करना है। यहाँ पे हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, आप लोग भी इतना कर लेना। देन यहाँ पे फर्स्ट क्लिप में फिर से आना है
और यहाँ पे आने के बाद क्या करना है, यहाँ पे बैक करके ना देख सकते हो ये वाला इफेक्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको। तो यहाँ पे क्लिक करना देख सकते हो, और यहाँ पे आने के बाद बॉडी इफेक्ट में चले जाना है। और बॉडी इफेक्ट में आने के बाद में क्या करना है, स्क्रॉल करके आप लोग ना यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे चले जाना है। देख सकते हो यहाँ पे लिखा है सराउंडिंग्स, यहाँ पे आना है आपको। और यहाँ पे आने के बाद देख सकते हो इसमें काफ़ी ज़्यादा नियॉन वाला इफेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है, बढ़िया बढ़िया। तो आप लोग इसमें से कोई भी ऐड कर सकते हो, जैसे मैं बारी बारी से ऐड करता हूँ। पहले तो मैं इसको रख लेता हूँ, ठीक है, ये वाला बेटर लग रहा है मेरे को। और इसको रखने के बाद यहाँ पे क्या करना है, नीचे से राइट करना है, और राइट करने के बाद में इसका जो देख सकते हो इसका जो ड्यूरेशन है ना, इसे आप लोग को ना अपने फर्स्ट क्लिप के अकॉर्डिंग रख लेना, ठीक है, बराबर में। फिर यहाँ पे आप लोग सेकेंड क्लिप के फर्स्ट में आना है, देख सकते हो जो हमारा सेकेंड क्लिप यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। फिर बॉडी इफेक्ट में आना है, और यहाँ पे आने के बाद आप लोग को एक इसमें से और कोई अदर वाला यहाँ पे चूज़ करना है। यहाँ पे मैं इसको रख लेता हूँ, देख सकते हो, ठीक है, मैकेनिकल टू लिखा है। इसको चूज़ करने के बाद यहाँ पे इसको भी थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिम करना है, इसके इफेक्टों को अपने वीडियो के मुताबिक से, ठीक है। उसके बाद फिर से बॉडी इफेक्ट में आना है, और यहाँ पे आने के बाद एक कोई अलग और चूज़ कर लेना है। यहाँ पे मैं इसको चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, ये बेटर लग रहा है। उसका इसको भी थोड़ा सा मैं यहाँ पे ट्रिम कर दूंगा अपने वीडियो के हिसाब से। फिर बॉडी इफेक्ट में आना है अगला क्लिप के लिए, और यहाँ से आप लोग को कोई अलग और चूज़ कर लेना है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो। फिर इसको यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिम कर देना है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको आना है बॉडी इफेक्ट पे अगेन। उसके बाद में यहाँ पे आने के बाद आपको कोई अलग वाला यहाँ पे और चूज़ करना है, और इसे भी आप लोग को ना क्लिप के हिसाब से ट्रिम कर लेना, ठीक है। फिर हमारा लास्ट क्लिप बचेगा, फिर से हम लोग बॉडी इफेक्ट में आएंगे, और यहाँ पे आने के बाद कोई एक अच्छा सा यहाँ पे हम लोग और चूज़ कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं इसको रख लेता हूँ, ठीक है, बेटर लग रहा है मेरे को ये वाला, देख सकते हो। और इसको रखने के बाद अपने वीडियो के हिसाब से अच्छे से यहाँ पे ना ट्रिम कर लेना, ये देख सकते हो, ठीक है, बराबर में यहाँ पे इस तरह से। और इतना करने के बाद हमारा यहाँ पे काम पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे जो फाइनल में रिजल्ट आएगा ना, काफ़ी बढ़िया आएगा, देख सकते हो हमारा काम यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ से मैं एक बार आपको प्ले करके बता देता हूँ, ठीक है, तो ये देख सकते हो काफ़ी बढ़िया आएगा। एंड गाइस, इसमें जो है ना साउंड ऑफ है, मैं ऑन इसलिए नहीं कर रहा, नहीं तो ताकि ना वीडियो पे कॉपीराइट ना आ जाए, ठीक है ना, कॉपीराइट आने का इशू रहता है, इसलिए मैंने साउंड को ऑफ करके रखा है। आप लोग ना साउंड को अपने ऑन करके रखना, तो देख सकते हो इस तरह से आएगा, ठीक है, बहुत ही बढ़िया लगेगा, अमेजिंग हमारा वीडियो देखने में। देखो काफ़ी बढ़िया लग रहा है देखने में, कूल एंड एकदम ईजी तरीके से मैं आपको बताया हूँ इस तरह से रील वीडियो बनाना, ठीक है। और ये सॉन्ग जो है अभी ट्रेंडिंग में चलेगा। उसके बाद में गाइस, इतना आप लोग भी करके यहाँ पे ऊपर एरो वाले बटन पर क्लिक करना, तो ये वाला वीडियो सेव होना स्टार्ट हो जाएगा। तो होप करता हूँ हमारा आज का वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आ होगा। तो मिलते हैं गाइस एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।